हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। देश भर में लागू हुआ CAA, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि इस वक्त देश के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के ये बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने की बात कर चुके हैं। उन्होंने पहले कहा था ऐलान करते हुए कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू भी कर दिया है। बता दें कि CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दे दी जाएगी और इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। चुनाव से पहले बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने जा रही है। CM भजनलाल शर्मा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग DA बढ़ाने का आदेश जल्दी जारी कर सकता है। फिलहाल प्रदेश भर में अभी कर्मचारियों को 46% DA मिल रहा है, जो बढ़कर 50% अब हो जाएगा और इस आदेश के आने के बाद राजस्थान के करीब 800,000 कर्मचारियों और 400,000 पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद वित्त विभाग में DA बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब खाने को नहीं मिलेगी गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी। इन फूड्स पर लग गया बैन। रेस्टोरेंट और विवाह समारोह में मिलने वाली गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी अब खाने को नहीं मिल पाएगी। सरकार ने इसे बैन कर दिया है। दरअसल स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के कारण कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में खाद्य रंग भरने वाले एजेंटों पर रोक लगाने वाला कर्नाटक नवीनतम राज्य बना है। बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में फूड कलरिंग एजेंट रोडामाइन B पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की है कि अगर कोई रोडामाइन B फूड कलरिंग एजेंट का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम रंग के कारण पूरे दक्षिणी राज्य में इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब थी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। आपको बता दें कि एकत्र किए गए गोभी मंचूरियन के 171 नमूनों में से 64 सुरक्षित पाए गए, जबकि 106 असुरक्षित पाए गए। इसी तरह से कुल 25 कॉटन कैंडी के नमूने एकत्र किए गए थे, जिसमें से 10 सुरक्षित और 15 असुरक्षित पाए गए थे। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर। SBI को मंगलवार तक का दिया वक्त। बता दें कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा के तौर पर मिलने वाली चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SBI को अदालत ने फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार तक आंकड़े मुहैया कराने का आदेश दिया है और इतना ही नहीं, कोर्ट ने SBI को 15 मार्च 5 बजे शाम तक पूरे आंकड़े अपने वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। वहीं SBI की ओर से 30 जून तक के लिए मांगी गई अवधि को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि सुनवाई करते हुए कोर्ट में SBI ने कहा है कि उन्हें जानकारी साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें समय चाहिए। हालांकि SBI के रुख पर कोर्ट ने सख्ती करते हुए कहा कि आपने कहा था कि सीलबंद लिफाफे में सब कुछ है, तो लिफाफा खोलिए और आंकड़े उपलब्ध करवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की ओर से वक्त मांगने की बात को गंभीर रूप से लिया है। टॉप कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि SBI चुनाव आयोग को भी जानकारी साझा करे।
आरबीआई के गवर्नर ने फिर किया स्पष्ट, कहा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा और आगे नहीं बढ़ेगी। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर 16 मार्च से रोक लगाने का आदेश दिया था। अब यह तारीख नजदीक आ रही है तो ऐसे में कई यूजर्स के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि इनका जवाब देते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पर्याप्त समय दिया गया है और अब यह समय सीमा 15 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि अधिकतर पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं और बाकियों को भी अन्य बैंकों से जुड़ने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि पेटीएम वॉलेट के 80-85% यूजर्स को आरबीआई के फैसले के कारण कोई समस्या नहीं होगी और अन्य यूजर्स को बाकी बैंकों से जुड़ने को कहा गया है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन के लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यहां गवर्नर ने कहा कि इसका फैसला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई करेगा। संदेश खाली मामले को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीबीआई को जांच सौंपना संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ। बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से ये सवाल किया कि शाहजहां शेख को 50 दिनों तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख की कस्टडी को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करते समय तक समय देने की मांग हाईकोर्ट ने ठुकरा दी थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट में कहा कि अदालत ने जांच पर रोक लगा दी थी, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। 29 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया जब एक बार यह स्पष्ट हो गया कि हम गिरफ्तारी कर सकते हैं। जस्टिस संदीप मेहता ने बंगाल सरकार से पूछा कि आरोपी के खिलाफ 42 एफआईआर कितने समय में हुई। पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमारे लिए समय सीमा बहुत कम थी, याचिकाकर्ता राज्य पश्चिम बंगाल के पास अपील करने का समय नहीं था, कोई भी अदालत अपील करने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। दिल्ली में एक दशक के अंदर शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ, मंत्री अतिशी मार्लेना ने दिया ब्यौरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही लगातार राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा व्यवस्था की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी मार्लेना के मुताबिक एक दशक के भीतर शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती के लिए दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले कभी नहीं उठाए गए। बता दें कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने दावे के साथ कांग्रेस और भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली में जिस तरह की शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर आज है, जिसमें गरीब से गरीब तबके से आने वाले बच्चों के लिए भी विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित किया जा सके, वो पहले कभी नहीं था। मंत्री अतिशी ने कांग्रेस के साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक समय ऐसा था जब बच्चे सरकारी स्कूलों की टूटी फूटी बिल्डिंग में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर थे, वहां लाइब्रेरी और लैब के नाम पर टूटे फूटे मकड़ी के जाले वाले रूम होते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार के स्कूलों में आई शिक्षा क्रांति के बाद बच्चे रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क पर पढ़ते हैं, हमारे स्कूलों में वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं। चिदंबरम का भाजपा पर हमला, बोले अगर संविधान में बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर संशोधन हुआ तो संसदीय लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भाजपा और आरएसएस पर कटाक्ष किया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा आरएसएस के एजेंडे के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया तो यह संसदीय लोकतंत्र, संघवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अंत होगा और दो आधिकारिक भाषाओं में से एक अंग्रेजी का अंत हो जाएगा। बता दें कि इसके पहले भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेडगे ने कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम की यह टिप्पणी आई है। दरअसल 6 बार के लोकसभा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेगड़े ने अपने कट्टर विचारों के लिए जाने जाते हैं और उनकी टिप्पणियों ने पहले भी विवादों को जन्म दिया है। सीएए लागू होने पर नेताओं की आई प्रतिक्रियाएं, ओवैसी बोले हमारी आपत्तियां जस की तस। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है।
दरअसल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर से CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। जो भी सताया गया है उसे शरण दे, लेकिन नागरिकता न दें। धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सरकार तो बताना चाहिए सरकार को कि उनसे इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। NPR NRC के साथ CAA केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। भारतीयों को जो लोग CAA NPR NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए थे, उनके पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में स्थापित हो सकता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। CM साय ने की वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मुलाकात। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे मुंबई के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके कार्यालय में मुलाकात करके राज्य में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने तथा परमाणु ऊर्जा की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए इसकी संभावना पर विस्तार से चर्चा की है। दरअसल आपको बता दें कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे मुंबई की अर्चना शर्मा डायरेक्टर, बीम टेक्नोलॉजी और ज्योति दीवान साइंटिफिक ऑफिसर BARC ने मुख्यमंत्री साय को छत्तीसगढ़ राज्य में परमाणु ऊर्जा की कृषि, बिजली और अन्य उपयोग की संभावनाओं के बारे में बताया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करना जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए आज के समय की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में परमाणु ऊर्जा विभाग की कोई भी इकाई नहीं है। छत्तीसगढ़ में संयंत्र लगाने पर इसका राज्य को अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप भी करते हैं गूगल क्रोम यूज तो आपके लिए आई है एक बड़ी खबर, जरूर से देखिए ये खबर। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जारी की है चेतावनी। अगर आप भी इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो अभी से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप इस समय एक बहुत बड़े खतरे में हैं। दरअसल हैकर्स आपके पर्सनल डेटा को से लेकर आपके ब्राउजर को पूरी तरह से क्रैश भी कर सकते हैं। जी हां, भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERTIN ने यहां पर गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक हाई रिस्क वाली चेतावनी जारी की है। दरअसल अपने लेटेस्ट नोट में CERTIN ने विंडोज और मैक दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पहले से गूगल क्रोम वर्जन में उपस्थित कई सारी खामियों के बारे में कहा है। इन खामियों को सेवरिटी हाई ऑफ हाई रेटिंग्स में लिस्ट किया गया है, जो कि यूजर्स पर मंडरा रहे खतरे को दिखाता है। जानकारी के मुताबिक पहला बग यूज आफ्टर फ्री फीचर के अंदर मिला है, जिसका यूज करके हैकर्स ब्राउजर की मेमोरी में हेरफेर कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके कोड भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप भी गूगल क्रोम यूज करते हैं तो जल्दी से अपने ब्राउजर को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लें। सोने की कीमत ने तोड़े सभी पिछले पुराने रिकॉर्ड। 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा सोने का भाव। सोने की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोने की कीमतें ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंची हैं। सराफा बाजार में सोने खरीदारी जोरदार हुई है, जिसके बाद सोने की कीमत 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के एक बाजार पर जा पहुंची है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,172 प्रति औंस के ऐतिहासिक हाई पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से घरेलू सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। पिछले करीब 18 दिनों में सोने की कीमतों में गजब की तेजी देखने को मिली है। फरवरी 2024 के चौथे हफ्ते में सोना 62,000 रुपए के करीब कारोबार कर रहा था, लेकिन उस लेवल से सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आ चुका है और अब कीमत 67,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चेन्नई में सोने की कीमत 67,000 रुपए के ऊपर है और जबकि दिल्ली में कीमत 66,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। भारत के साथ रुपए का व्यापार शुरू करने के लिए इच्छुक है बांग्लादेश और श्रीलंका। बता दें कि बांग्लादेश, श्रीलंका और कई खाड़ी क्षेत्र के देश समेत विकसित और विकासशील देश भारत के साथ रुपए में व्यापार शुरू करने के लिए इच्छुक हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे बिजनेस के लिए लेन देन लागत में कटौती करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह विकास भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत गेम चेंजिंग आयाम होने जा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका पहले से ही हमसे बातचीत कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम इसे तुरंत शुरू करें। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देश इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को लाभ देखने में कुछ समय लगेगा और फिर इसमें हम अधिक से अधिक विकसित और विकासशील और सुदूर देशों के साथ इसमें शामिल कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगापुर पहले से ही कुछ हद तक इसमें शामिल है। मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे देशों को ये एहसास हो रहा है कि घरेलू मुद्रा में व्यापार करने के कई सारे फायदे हैं।
यूपी कांग्रेस की सिफारिश, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सीटों से लड़े चुनाव। कांग्रेस की यूपी पीईसी चाहती है कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए और इस संबंध में हुई बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें शीर्ष नेतृत्व ने गांधी परिवार के सदस्यों को इन सीटों से चुनाव लड़ने की सिफारिश की है। बता दें कि रायबरेली और अमेठी की जिला कांग्रेस समितियों ने पहले ही दोनों नामों की सिफारिश की थी। पीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। बताया गया है कि गांधी परिवार के साथ दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लोग भी परिवार की तरह ही व्यवहार रखते हैं। बता दें कि यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी से भी अब यूपी पीईसी की सिफारिश का जिक्र किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में 17 लोकसभा कैंडिडेट्स के नामों पर सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ में बनेगा आईटी कंपनियों का इनोवेशन हब, 2200 युवाओं को मिलेगा लाभ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री ओपी चौधरी ने 11 तारीख को दो आईटी कंपनियों को नवा रायपुर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट बिल्ड अप एरिया का आवंटन आदेश दिया है जहां ये कंपनियां आईटी इकाइयों की स्थापना का संचालन करेंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री चौधरी की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है और इसी क्रम में सर्विस सेंटर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति एवं पारिस्थितिकीय तंत्र समग्र रूप से निर्मित किया जा रहा है ताकि आईटी कंपनियां नवा रायपुर में अपनी इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सके और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करते हुए आईटी कंपनियों को आकर्षक दर तथा शर्तों पर फर्निश्ड बिल्ड अप स्पेस आईटी इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित किया जा रहा है। होली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए 4% बढ़ाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने होली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को एक अच्छी खबर दी है। दरअसल राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की वृद्धि की है। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में भी इतना ही इजाफा किया गया है। इस फैसले से राज्य के करीब 10 लाख कर्मचारियों, 12 लाख पेंशनरों और 8 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। डीए में यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और इस बारे में राज्य सरकार की ओर से जल्द ही सूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा 7 मार्च को की थी और केंद्र सरकार की ओर से की गई वृद्धि भी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो रही है। महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि से उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने पर हर महीने 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों की टेक होम सैलरी भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 46% है जो ताजा फैसले के बाद बढ़कर 50% हो जाएगी और वित्त विभाग की तरफ से डीए में बढ़ोतरी की ये मंजूरी दी गई है। अब छोटे अडानी करेंगे कमाल, एयरपोर्ट बिजनेस में लगाएंगे 60,000 करोड़ रुपए। गौतम अडानी के बाद अब छोटे अडानी कमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल अडानी ग्रुप अगले 5 से 10 सालों के बीच 7 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है। ग्रुप की योजना इन हवाई अड्डों की क्षमता के विस्तार पर कंपनी की कमाई में इजाफा करना है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने हाल ही में बताया है कि अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स अगले 5 सालों में एयर साइड पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा जबकि उससे अगले 5 से 10 सालों में सिटी साइड के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि इसके तहत 7 एयरपोर्ट्स पर काम किया जाएगा जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट 2 साइड होते हैं, एयर साइड और सिटी साइड। एयर साइड में एयरक्राफ्ट का आना जाना यानी कि अराइवल और डिपार्चर होता है जिसमें रनवे कंट्रोल टावर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। वहीं सिटी साइड एयरपोर्ट कमर्शियल बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं और इसके तहत पैसेंजर्स के फायदे के लिए हवाई अड्डे के चारों ओर कमर्शियल फैसिलिटीज बनाई जाती है। क्या ऋषभ पंत हो जाएंगे आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरह से फिट? रिकी पोंटिंग ने दिया बड़ा अपडेट। ऐसी रिपोर्ट्स के बाद कि ऋषभ पंत को आईपीएल 2024 में भाग लेने के लिए एनसीए से मंजूरी मिल गई है। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने उनकी प्रोग्रेस पर एक बड़ा अपडेट दिया है। पोंटिंग ने कहा कि ये बड़ा निर्णय है जो हमें लेना होगा क्योंकि अगर वो फिट हैं तो आप सोचेंगे कि वो सीधे कप्तानी की भूमिका में वापस आ जाएंगे। अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो हमें उसे थोड़ी अलग भूमिका में इस्तेमाल करना है तो हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। वास्तव में उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ अभ्यास मैच खेले हैं जो वास्तव में हमारे लिए उत्साहवर्धक रहे हैं।
पॉन्टिंग ने आगे कहा कि मुझे पता है कि जिस स्तर पर वो अभी हैं, उन्हें वापस आने के लिए अपने शरीर और अपनी फिटनेस पर अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत उन्होंने की है। उन्हें राजस्थान में डीजल पेट्रोल से परेशान लोगों को मिली बड़ी राहत, खत्म हुई पेट्रोल पंपों की हड़ताल। बता दें कि राजस्थान के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर आने वाला संकट टल गया है। प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी दो दिवसीय हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बता दें कि ANI के हवाले से बताया गया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपना हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कटौती समेत विभिन्न मांगों को लेकर राज्य में पेट्रोल पंप संचालक दो दिनों से हड़ताल पर थे। पेट्रोल पंपों के हड़ताल रविवार 10 मार्च को शुरू हुई और मंगलवार 12 मार्च को सुबह तक जारी रहने वाली थी, लेकिन हड़ताल के कारण यहां पर राज्य में डीजल और पेट्रोल जैसे आवश्यक ईंधन की आपूर्ति पर संकट पैदा हो गया। और इस हड़ताल के तहत पेट्रोल पंप संचालकों ने ऐलान किया था कि वे दो दिनों तक ना तो तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल खरीदेंगे और न ही पेट्रोल डीजल की खुदरा बिक्री करेंगे। इससे राज्य में लाखों वाहनों के पहिए थम सकते थे। आपको बता दें कि फ्यूल स्टेशन संचालकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बावजूद राजस्थान की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट कम नहीं किया। इसके अलावा तेल कंपनियों ने पिछले साल 7 सालों से पेट्रोल पंपों का डीलर कमीशन भी नहीं बढ़ाया है। ऑपरेटरों के मुताबिक इससे उनकी कमाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि अब राज्य सरकार से बातचीत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को मिली बड़ी सौगात। गेहूं की खरीदी पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस देगी मध्य प्रदेश की सरकार। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आयोजित किया गया और इस बैठक में किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। मोहन कैबिनेट ने किसानों को गेहूं की खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मंजूरी दी है। समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। किसानों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है और राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी। MP में फिलहाल 2,275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है और अब सरकार 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी करेगी। और इसके अलावा किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। बता दें कि मोहन कैबिनेट ने कई अन्य अहम फैसले भी लिए हैं, जैसे नीमच और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज के लिए 1,200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। MP के सभी मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। 192 करोड़ रुपए का बजट मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मंजूर किया गया है। वहीं उज्जैन में 600 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरों का अस्पताल खुलेगा। सिंहस्थ को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। वहीं सभी जिला अस्पतालों के पास 100 वाहन होंगे और आयुष्मान कार्ड धारकों को MP में मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आई बड़ी खबर, केंद्र को रोकने की याचिका पर तत्काल सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को 2023 के एक कानून के अनुसार नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इस कानून के प्रावधानों को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के 2 पद हो गए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि एक ईमेल भेजिए, हम देखेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया है। बता दें कि स्थानीय कांग्रेस के नेता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 को लेकर आई बड़ी खबर, विनेश फोगाट की राह हुई मुश्किल, नेशनल ट्रायल्स में बुरी तरह से मिली हार। बता दें कि भारत में इस समय पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर कुश्ती के सिलेक्शन ट्रायल किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को नेशनल ट्रायल्स में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को रेसलर अंजू ने 0-10 से बुरी तरह हरा दिया है। बता दें कि विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 50 और 53 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेना चाहती हैं, लेकिन से पहले वह रेसलिंग में सिर्फ 50 किलोग्राम में ही भाग लेती आई हैं। बता दें कि विनेश फोगाट का मिशन इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 खेलना है और अगर विनेश फोगाट को इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 खेलना है तो उन्हें ट्रायल्स में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि 14 मार्च से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता कम होने लगेगी। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, फिर उसके बाद बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ जाएगी। बता दें कि 13 तारीख को पश्चिमी हिमालय पर गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में छिटपुट बारिश होने की संभावना है, फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा में 13 तारीख को बारिश और बिजली गिर सकती है। वहीं आपको बता दें कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति रहने की उम्मीद है। आज का सुविचार, विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।